वेलकम बैक दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको साउथ कोरिया से संबंधित रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी देंगे, जिसको जानने के बाद आपको इससे संबंधित कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जो जितना छोटा है उतना ही पावरफुल भी है। यहां के लोग बहुत मेहनती होते हैं। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो सीधे तौर पर यह जापान जैसे देश को टक्कर देता है। इस छोटे से देश ने टेक्नोलॉजी और GDP के मामले में भी काफी उन्नति की है। पूर्वी एशिया में स्थित ये देश, जिसकी राजधानी सोल है और यहीं पर एक एयरपोर्ट स्थित है जो दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट भी माना जाता है। यहाँ इंटरनेट की स्पीड दुनिया में पहले नंबर पर है और इसी देश ने सबसे पहले रोबोट्स को नौकरी पर रखा था। तो आइए आज हम आपको दक्षिण कोरिया से जुड़े और रोचक व अनसुने तथ्य बताते हैं। साउथ कोरिया एशिया का एक संपन्न और विकसित देश है। इसका औपचारिक नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। इस देश की आबादी की बात की जाए तो 5 करोड़ के ऊपर है और इसी वजह से ये देश 29वां सबसे बड़ा देश है। साउथ कोरिया की करेंसी वॉन है। इसकी GDP की बात की जाए तो $1.3 trillion है और यहाँ के प्रति व्यक्ति आय 1% $38,000 है, जो कि किसी भी विकसित देश के मुकाबले बहुत अच्छी है और दिन प्रतिदिन इसमें विकास ही हो रहा है। दक्षिण कोरिया के पास प्लास्टिक सर्जरी में महारत हासिल है। जी हाँ, ये देश कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी मशहूर है। यानी कि यहाँ के लोग खूबसूरत दिखने के लिए बहुत अधिक प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग फिर दिखने के लिए अपने शरीर की हेल्थ पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। साउथ कोरिया में जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वो एक दिन का नहीं बल्कि 1 साल का होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के लोगों की सोच है कि शिशु गर्भ में 9 महीना रहता है। इसी वजह से साउथ कोरिया के निवासी पैदा हुए बच्चे को एक दिन का नहीं अपितु 1 साल का मानते हैं। यहाँ पर आपको 10 में से 3 या 4 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके नाम के आगे या पीछे किम लगा हो। यह नाम कोरियाई लोगों में बहुत आम है। और एक बात यह बहुत ही रोचक कि अगर कोई कोरियाई अपनी फोटो खिंचवाते वक्त चीज या स्माइल जैसे वर्ड की जगह किमची बोलते हैं। साउथ कोरिया में एक बात बड़ी अच्छी बात यह है कि वहाँ पर 19 वर्ष की उम्र से पहले कोई भी व्यक्ति शराब या अन्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं कर सकता है, क्योंकि इस उम्र से पहले वहाँ पर नशा करना गैरकानूनी है। इसी वजह से इस देश में औसत शराब की खपत प्रति वर्ष 12.3 लीटर प्रति व्यक्ति है। पूरी दुनिया शराब की खपत के लिए यह देश 19वें स्थान पर है। साउथ कोरिया एक साफ सुथरा और सफाई पसंद देश है। कोरिया शब्द गोरियो से प्रेरित है, जिसका मतलब होता है साफ सुथरा और एकदम साफ। दक्षिण कोरिया की टोटल पॉपुलेशन 5 करोड़ से ऊपर है, जिसमें से 85% से अधिक लोग शहर में रहते हैं और बचे हुए 15% लोग गांव या अन्य पिछड़ी हुई जगह रहते हैं। यह एक ऐसा देश है जिसने दुनिया में सबसे पहली बार किसी रोबोट को नौकरी पर रखा है और 2012 में जेल की सुरक्षा के लिए रोबोट गार्ड का निर्माण किया। इसके अलावा सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं अपितु इंटरनेट स्पीड में भी महारत हासिल किए हुए है। दक्षिण कोरिया दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड वाला देश है और अगर कंपनी की बात की जाए तो लगभग हम सभी ने नोकिया का नाम तो सुना ही होगा। इस कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, जिसने कई साल तक राज किया। नोकिया इतनी अच्छी कंपनी हुआ करती थी कि दुनिया के अधिकतर देशों में नोकिया का फोन ही इस्तेमाल होता था। इसके बाद उसकी जगह सैमसंग जैसी फोन निर्माता कंपनी ने ले ली है। इसका मुख्यालय साउथ कोरिया की राजधानी सोल में स्थित है। ह्यूंडई, किया मोटर्स जैसी नामी फेमस बड़ी कंपनियां इसी देश की देन है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के पुरुष महिला से ज्यादा अपनी ब्यूटी का ख्याल रखते हैं और लाखों रुपए कॉस्मेटिक उत्पाद खरीदने में खर्चा करते हैं और 1 साल में करीब $900 मिलियन खर्च कर देते हैं। इस देश में पुरुषों का मिलिट्री सर्विस करना अनिवार्य है। इसके अलावा एक अनोखा तथ्य यह है कि कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र पार करता है तो उसे एक ग्रैंड एंड रॉयल पार्टी देनी होती है, जिसे वहां के लोग वंगाप कहते हैं। ये इस देश का ट्रेडिशन भी माना जाता है। साउथ कोरिया ऐसा देश है जो 1 बिलियन यानी कि 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके 3 दिशाओं में समुद्र और 1 दिशा में नॉर्थ कोरिया कंट्री है। शायद आपको यह बात पता नहीं होगी कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को बांटने वाली एक लाइन पाई जाती है, जिसे 38G पैरेलल के नाम से भी जाना जाता है। इस देश के पास 2413 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। साउथ कोरिया में विश्व की 89% से भी ज्यादा सीवीड समुद्री शैवाल का उत्पादन यहीं होता है। यह समुद्री सब्जी बहुत ही फायदेमंद हेल्दी है, दुनिया में इसकी काफी मांग है। इस देश का सबसे लोकप्रिय खेल मार्शल आर्ट ताइक्वांडो है, जो कि प्राचीन काल के समय से करीब 2000 वर्ष पहले से खेला जाता रहा है। इस खेल को सन 2002 में ओलंपिक प्रतियोगिता में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया। साउथ कोरिया के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर सपने में उन्हें एक सुअर दिखता है तो ये उसे अच्छा व शुभ है। इसके अलावा यहाँ के लोग किसी को भी तोहफे में जूता नहीं देते, क्योंकि ये इसे बुरा मानते हैं। दक्षिण कोरियाई देश में वेलेंटाइन डे 14 फरवरी के बजाय 14 मार्च को वाइट डे के नाम से मनाया जाता है। यहाँ के कंवारे लड़के, जिनकी कोई महिला दोस्त GF नहीं होती, वह इस दिन को काला दिन यानी बैक डे मानते हैं। यहाँ के लोग की बात बड़ी अजीब और घिनौनी है कि ये लोग कुत्ते का मांस तक खा जाते हैं, लेकिन अभी इस चीज में यहाँ के लोग इसको छोड़ने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और इनका मानना है कि आगे आने वाले समय में इससे निजात पा लेंगे। साउथ कोरिया का मुख्य पकवान किमची माना जाता है। यहाँ के लोग किमची को 250-250 अलग अलग तरीके से बनाने की कला रखते हैं। इस देश में आधे से अधिक आबादी का कोई विशेष धर्म नहीं होता, पर ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा प्रचुर मात्रा में ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के लोग भी मिल जाते हैं। यहाँ की एक और खास बात यह है कि अगर आप साउथ कोरिया के सभी आइलैंड में रोज वन नाइट स्टे करेंगे तो आपको 4 साल का समय लग जाएगा। इस देश में 4000 से भी ज्यादा आइलैंड है। साउथ कोरिया में सबसे बड़े पहाड़ का नाम जेजू है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6400 फीट है। साउथ कोरिया एक ठंडा देश है और यहाँ अधिकतर ठंड का मौसम रहता है और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस ठंडे देश की एक खासियत ये भी है कि आपको यहाँ के कोने कोने में फ्री वाईफाई की सुविधा मिल जाती है, मतलब कि आप कहीं भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया के बारे में अब जो हम आपको बताएंगे वह आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, वो यह कि दक्षिण कोरिया में पुरुषों की पहचान उनके ब्लड ग्रुप से की जाती है। उनका ब्लड ग्रुप ही निर्धारित करता है कि वह इंसान असल में बुरा है कि अच्छा है। दक्षिण कोरिया में शिक्षकों को बहुत मान सम्मान दिया जाता है। इस देश में किसी को शिक्षक की नौकरी मिलना अपने आप में गर्व की बात मानी जाती है। इस देश में एक शिक्षक की सैलरी $3,000 से भी ऊपर होती है। इसके अलावा यहाँ के लोग लाल स्याही को अशुभ बुरा मानते हैं। उनका ऐसा मानना है कि लाल स्याही से तब लिखा जाता है जब इंसान खत्म हो चुका होता है या अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। इस छोटे से देश ने टेक्नोलॉजी और GDP के मामले में भी काफी उन्नति की है। फ्रेंड्स, आशा है आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट साउथ कोरिया इन हिंदी रुचिकर लगी होगी। जानकारी पसंद आने पर आप इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें।
और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।